हाई फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले हैं ECI वुमेन चीजिया T10 लीग का आज का जो फर्स्ट मैच और मैच नंबर 4 होगा जो खेले जाने वाला है चीजिया वुमेन्स वर्सेस ग्रीस वुमेन्स के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर 2:30 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ पर वेन्यू देखें, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें, आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज इसको 60 से 90 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देखें तो टोटल अब तक इस पिच पर 3 मैच कंप्लीट हुए हैं, 2 मैच जीते बैटिंग टीम ने, 1 मैच में चेज हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें चीजिया वुमेन्स की टीम की। तो यहाँ पर देख सकते हो, टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है। वो टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका आफ्टर टॉस फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दूसरा, जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक, आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पकड़े, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर ले चीजिया वुमेन्स की टीम की, लास्ट 3 मैच खेली टीम, ये तीनों मैच ना बुरी तरह से हार के आ रही है। तो यहाँ से लास्ट मैच अपनी की थी मानसी परमार ने और राचेल ने। यहाँ से मानवी परवार की बात करें, एक विकेट और 0 विकेट है। तीनों मैचों में इन्होंने ना बॉलिंग की विकेट यहाँ पर 2 निकाले हैं। टिटन के 7 मैच खेली हैं और यहाँ से 10 रन, 0 विकेट हैं। यहाँ से आ जाता है राचेल की बात कर लें, 3 नॉट आउट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट है। तीनों मैचों में बॉलिंग इन्होंने कन्फर्म की, प्लस बैटिंग भी मिली, पर एक भी पॉइंट ये नहीं दे पाई है। बट यहाँ पर देख सकते हो T20I के 5 मैच में 28 रन, 1 विकेट है, यानी डाउन स्कोर है इनका। पूजा सीतल्ले की बात कर लें, 5 0 विकेट, 7 0 विकेट, 17 0 विकेट है। यहाँ पर इन्होंने देख सकते हो तीनों मैचों में ना बैटिंग तो थोड़ी अच्छी की है बट बॉलिंग से एक भी पॉइंट नहीं मिले। ओवरऑल 5 मैच में 2 विकेट, 13 ओवर डाल के। यहाँ से आ जाता है डेसरी चंपांग की बात कर लें, 10 0 18, T10 के 3 मैच में 1 रन है। यहाँ से आ जाता है जोसेफिन सोकोवा की बात कर लें, 0 नॉट आउट, 1 रन और 1 नॉट आउट, T10 के 8 मैच के लिए हैं, 2 विकेट, 12 ओवर डाल के। राजश्री की बात कर लें, 9 बैटिंग, 1 विकेट, ओवरऑल 8 मैच में 3 विकेट हैं। यहाँ से आता है श्रेया की बात कर लें, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। तीनों मैचों में ना बैटिंग की बॉलिंग की पर एक भी पॉइंट ये नहीं दे पाई है। T10 के 4 मैच में 0 विकेट हैं। यहाँ से आता है एल्सिन मेजन की बात कर लें, 0 विकेट 0 1 रन है, T10 के 4 मैच में 0 विकेट है। प्रतिभा चौधरी 11 0 0, T10 के 3 मैच में 1 रन है। यहाँ से आ जाता है करण डेकुनहा की बात कर लें, 0 विकेट 5 नॉट आउट, 0 विकेट है, T10 के 9 मैच में 0 विकेट है। यहाँ से लिटन की बात कर लें, 9 बैटिंग 0 विकेट 9 बैटिंग है, T10 के 5 मैच के लिए 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के, बिल्कुल डाउन स्कोर है इनका। यहाँ पर देख सकते हो पूरी टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं ना, टोटल खिलाड़ियों के स्कोर यहाँ पर बिल्कुल डाउन लगे मुझे, तभी ये टीम हार के आ रही है क्योंकि काफ़ी कमजोर टीम है। बात कर लें बेंच की, बेंच में जो भी खेलते हैं 2 ही प्लेयर हैं, जानकारी मिल जाएगी। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग ओवर। स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से श्री राम भोसले, यहाँ से देख सकते हो मैंसी परमार। डेथ के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से के डेनकुला आर, यहाँ से पवलिको और यहाँ से पी सेलोट्स। जो डेथ में बॉलिंग करेगी वो हमेशा आपके एलिमिनेट रहने वाली हैं। बात करें दोस्त टीम ग्रीस वुमेन्स की, तो यहाँ से देख सकते हो 3 मैच के लिए ना टीम तीनों मैच ही हार विन करके आ रही है, यानी काफ़ी सोलिड टीम है, अच्छी टीम है ये। लास्ट मैच रनिंग की थी यहाँ से एंजेलिके लोना ने और यहाँ से एंड मातिया मार्करी ने। यहाँ से एंजेलिके की बात कर लें, 7 नॉट आउट, 17 और 65 नॉट आउट, T20 के 12 मैच में 142 रन है। बैटिंग का स्कोर काफ़ी सुपर है। बात कर लें यहाँ से वकरी की, 4 नॉट आउट, 0 विकेट, 25 नॉट आउट, 1 विकेट और 35 2 विकेट हैं। पहले मैच में ही थोड़ा स्कोर इनका डाउन रहा बट लास्ट के दोनों मैचों में ना बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से अच्छे पॉइंट दिए हैं। बात कर लें यहाँ से मारिया की, 35 0 विकेट, 4 0 विकेट और 2 विकेट हैं। सेकेंड मैच में रिकॉर्ड डाउन था, बाकी फर्स्ट और लास्ट दोनों मैचों में अच्छे पॉइंट आपको दिए हैं। बात कर लें यहाँ से डेपने की, 9 बैटिंग 2 विकेट और 1 विकेट है। पहले मैच में रिकॉर्ड डाउन था पर लास्ट दोनों मैचों में 2 ओवर डाल के 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं। थियोडोरा की बात करें, 9 बैटिंग 9 विकेट है। यहाँ से बात कर लें मारिया की, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट है। तीनों मैचों में ना यहाँ पर इन्होंने 2 ओवर डाले पर विकेट यहाँ पर हर मैच में इन्होंने निकाला है। T20I के यहाँ से 12 मैच खेली, 6 रन, 13 विकेट हैं, 33 ओवर डाल के। बात कर लें यहाँ से मारिया पोलमेरी की,
नो बैटिंग है तीनों मैचों में ये नो बैटिंग रही थी। T20 के 12 मैच के लिए 7 विकेट 12 ओवर डाल के। बात करें यहाँ से क्रिसला कांता की, तीनों मैचों में नो बैटिंग रही। T20 के 3 मैचों में डिड नॉट बैट हैं। जोए ग्रामिनो यहाँ से 0 के 2 विकेट 0 गए हैं। सेकेंड मैच में कमाल गया, 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले हैं। बात कर लें यहाँ से एकतरेनी की, नो बैटिंग है। यहाँ से देख सकते हो मार्टो की बात कर लें, नो यहाँ से दोनों मैचों में ये नो बैटिंग रही। बात कर लें बेंच की, बेंच में जैसे यहाँ से सोपिया खेलती हैं, अच्छा ऑप्शन है कि खेलेगी तो मौका जरूर दूंगा। बाकी देख लें स्टार्टिंग और डेथिंग और स्टार्टिंग के ओवर डालने जाएंगे। यहाँ से एम स्योरिटी, यहाँ से एम अर्करी और यहाँ से आ जाते हैं डी वे पोला। डेथ के ओवर डालने जाएंगे यहाँ से देख सकते हो एम वेरिस्टो, यहाँ से डी वेनपुला और यहाँ से जेड ग्रमनो। जो डेथ में बॉलिंग करेंगे वो हमेशा आपके एलिमिनेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट। चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेमो टीम अपने विकेट विशेषण के नाम यहाँ से देख सकते हो आर पब्लिका, वो यहाँ से है एलोना, यहाँ से करने वाला डी चैम्पांगे को, यहाँ से बैटिंग सेशन से एम परमार को, ऑलराउंड सेशन से एम स्वैटी, यहाँ से एम मरकरी को, यहाँ से बॉलिंग सेशन से देख सकते हो एम वेरिस्टो, डी सोपिया, जेड ग्रामिनो को, यहाँ से करने वाला श्रीराम को और देख सकते हो यहाँ से पी सेलेट्स को। कैप्टन करूँगा एम स्वैटी को, वाइस कैप्टन का एम मरकरी को। बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपकी स्टेटमेंट में अच्छी विनिंग करनी ना तो आपको लेट नहीं होना है, आपको जरूर से जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पिछले मैचों में काफ़ी लोगों ने हमारी टीम से अच्छी विनिंग की थी। देख सकते हो हमारी वीडियो पर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो जाइए टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे कमेंट पर क्लिक, आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।